मेरे संजू के जितना करीब कोई आता है वो अपनी जिंदगी से उतनी ही दूर चला जाता है। नीति, दूसरों का घर चलाने वाले अक्सर खुद को ही जना बैठते हैं। तेरे ही इस चक्रव्यूह में देख मैं तुझे कैसे उलझाती हूँ। पर नीति के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर परी अब चलेगी नई चाल। यहाँ पर नीति ने बोला था 24 घंटे में तुझे मार के रहूंगी, तुझे एक्सपोज करके रहूंगी, तो भाई यहाँ पर नीति तो हार गई है क्योंकि यहाँ पर अलग ही एक ट्विस्ट आ जाता है। वो किसी तरीके से दिलजीत के पास जाती है नीति और बोलती है कि तुम्हारे कुछ गुंडे वगैरह हो तो भाई मुझे ना एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मेरे संजू के जितना करीब कोई आता है वो अपनी जिंदगी से उतनी ही दूर चला जाता है। नीति, दूसरों का घर चलाने वाले अक्सर खुद को ही जना बैठते हैं। तेरे ही इस चक्रव्यूह में देख मैं तुझे कैसे उलझाती हूँ। और अंबिका के ऊपर वो अटैक कराती है। यहाँ पर उसको लगता है कि मैं अंबिका के ऊपर अटैक कराऊंगी तो यहाँ परी का सच सामने आ जाएगा, लेकिन यहाँ भाई राजीव और सारे लोगों को पता लग जाता है कि कोई अटैकर्स आए हैं, गुंडे वगैरह आए हैं अंबिका के ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ पर राजीव ना उनसे मारपिटाई करता है और ये खुलासा तो हो जाता है कि किसी ने उनके गुंडों को भेजा था मारने के लिए, लेकिन ये नहीं पता लगता है कि नीति ने भेजा था। लेकिन ये भाई परी पता लगा लेती है और परी जो उसके बाद भड़कती है ना भाई नीति के ऊपर, वो अलग ही होता है। मतलब परी को ये समझ में आ गया कि अंबिका के लिए जो गुंडे मारने के लिए भेजे थे वो नीति ने भेजे थे। अब यहाँ पर नीति की अच्छी वाली क्लास लेती है और नीति को बहुत गुस्सा करती है और नीति को इतना खुश सुना देती है कि नीति भी चुप हो जाती है इस बार। वैसे हमने हमेशा से देखा है कि ना जब नीति और परी में बहस होती है तो यहाँ पर नीति कितना कुछ बोलती है, लेकिन यहाँ अभी तो भाई उसकी गलती भी है, वो हार भी गई है। 24 घंटे के अंदर वो भाई ये प्रूफ भी नहीं कर पाई कि ये परी है, यहाँ पर परी का कुछ कर भी नहीं पाई, तो अभी तो वो शांत है और अंदर ही अंदर बहुत भड़क रही है, बहुत गुस्सा कर रही है कि ये मेरे से कैसे हो गया और यहाँ पर मैं परी से कैसे हार गई। यहाँ पर परी बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरी मॉम के ऊपर हमला कराने की, मतलब तुमने ये सोचा नहीं, तुम्हें डर नहीं लगा कि फिर अगर मुझे पता लगेगा तो मैं क्या करूंगी। अब यहाँ पर नीति ये बोलती है कि भाई तुम्हारी मॉम तो अंबिका थोड़ी ना है, वो तो बबली की माँ है जो तुम्हारे घर पे बैठी हुई है। लेकिन यहाँ भाई परी कुछ भी नहीं सुनती, क्योंकि यहाँ पर नीति जब बोलती है ना कि पार्वती को कैसे पता कि मैंने परी को मारा था और वो तो पार्वती है ना, परी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है वो परी हो, इसलिए परी के बारे में इतना सब कुछ जानती हूँ। तो ये सारी चीजें ना राजीव के दिमाग में चल रही है और राजीव को ये कंफ्यूजन में है कि भाई ये परी है पार्वती, और इन सब का पता लगाने के लिए भाई वो अंबिका के पास जाएगा और अंबिका से पूछेगा कि आप बताओ सच कि भाई कौन परी है और कौन पार्वती है। और यहाँ पर देखते हैं कि भाई अंबिका क्या कुछ बोलती है।